हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग इज माय लाइफ। फ्रेंड्स, आज मेरा टॉपिक है स्ट्रॉबेरी प्लांट। स्ट्रॉबेरी प्लांट का जो रनर्स है उससे हम कैसे दूसरा प्लांट तैयार कर सकते हैं वो आज हम दिखाएंगे। मेरा प्लांट में बहुत सारा ये रनर्स निकल रहा है, देख रहे फ्रेंड, ये देखिए। तो ये जो रनर्स है इससे हम दूसरा प्लांट तैयार करेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो फ्रेंड्स, मेरे टॉपिक पे जाने के पहले मैं सारे व्यूअर्स को मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो देखने के बाद अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर भी। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो मेरा प्लांट है अभी इसका फ्लावर आ गया तो फ्रूट्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो मेरा प्लांट है ये मेरा पिछले साल का प्लांट, ये देखिए फ्रेंड, स्ट्रॉबेरी प्लांट। पिछले साल मुझे बहुत सारा स्ट्रॉबेरी दिया था ये प्लांट। आज मैंने सोचा कुछ प्लांट और तैयार कर ले इस साल, क्योंकि मुझे और स्ट्रॉबेरी मिल जाए। ये देखिए फ्रेंड, ये सारा रनर्स है। ये जो प्लांट है ये सीड से ग्रो होता है, लेकिन रनर्स अभी बहुत अच्छे से जल्दी से आप बहुत सारा प्लांट बना सकते हैं। ये देखिए मेरा 4-5 है, ये देखिए मेरा स्ट्रॉबेरी बनना स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर हम इससे जो रनर्स है इसके अलग करके लगा दें तो जल्द से जल्द हेल्दी फ्रूट्स में बदल जाएगा वो। चलिए, इसके लिए मैं ये वर्मी कंपोस्ट, सैंड और ये कोकोपीट, ये तीनों इक्वल पार्ट में ले लिया और ये तीनों को मैं इक्वल पार्ट्स में ही मिलाऊंगी। ये देखिए, ये है वर्मी कंपोस्ट, ये है कोकोपीट और ये है सैंड। तो ये तीनों को मैं अच्छे से मिला लूँगी। ये देखिए, फ्रेंड मैं अच्छे से इसको मिला लिया। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने एक पॉट लिया है, देखिए ये प्लास्टिक का पॉट है, इसमें होल बहुत सारा होल है, जैसे एक्स्ट्रा पानी यहाँ से निकल जाए। इसके बाद मैं स्टोन चिप्स डाल दूँगी इसके नीचे। ऐसे ही मैं जितना सारा प्लांट है मैं ऐसे तैयार करती हूँ पॉट में। इसका नीचे एक लेयर मैंने सैंड दे दिया, इसके ऊपर नीचे स्टोन चिप्स और ऊपर थोड़ा सा सैंड। इसके बाद मैंने ये जो सॉयल तैयार किया है वेल ड्रेंड, इसके लिए वेल ड्रेंड सॉयल चाहिए। ये देखिए फ्रेंड, इसमें गार्डन सॉयल मैंने नहीं मिलाया। इसके बाद ये जो यहाँ से एक रनर्स था, मैं पहले इसको लगा चुकी हूँ,
ये देखिए मैं बाद में दिखाती हूँ, वो जो पहले लगा दिया मैंने, ये देखिए इसको अलग कर लिया। फिर नीचे इसका जो लीव्स है उसको हटा दूँगी मैं। फिर इसमें रूट्स निकल आए हैं फ्रेंड, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, इसको मैं इसमें लगा दूँगी। जितना सारा है मैं एक ही पॉट में लगाऊंगी, और थोड़ा सा बड़ा आ जाए उसके बाद मैं एक एक पॉट में शिफ्ट करूंगी। ये देखिए, ये देखिए, ये जो रनर से यहाँ से थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। अगर मैं इसको यहाँ से नहीं शिफ्ट करूंगी, इसको काट के दूसरे जगह पर नहीं लगाऊँ तो ये ख़राब हो सकता है। तो फ्रेंड इसीलिए मैं, ये देखिए, इसको काट देती हूँ यहाँ से। सबके रूट्स निकल गए हैं, तो मेरा बेबी प्लांट ऐसे ही तैयार था। तो इसे सिर्फ काट के लगाना है। ये देखिए, पहले मैं एक लगा चुकी हूँ, मैं दिखाऊंगी। अभी ये तीन लगाया और मुझे लग रहा है और एक है, ये देखिए, फ्रेंड्स ये जो प्लांट है ज़्यादा केयर का ज़रूरत नहीं होता है। इसको वेल्डेन सॉयल तैयार करके इसको लगाना है, और इसको पानी का ज़रूरत भी नहीं होता है। जब ऊपर का पानी ड्राई हो जाए तो अभी इसको पानी देना है। और सनलाइट के बारे में बात करें तो इसको फूल धूप में आप रख सकते हैं, लेकिन पार्शियल सनलाइट में भी अच्छे से ग्रो होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, तो पानी दे दिया मैंने, आप 3-4 दिन मैंने थोड़ा सा शेड में रखूंगी, उसके बाद मैं पार्शियल सनलाइट में रख दूंगी। अभी जो मॉर्निंग का जो सनलाइट है तो उसमें तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। कुछ देर के लिए मॉर्निंग का सनलाइट अच्छा है, लेकिन कड़ी धूप में ये प्लांट ख़राब हो सकता है। हमारा यहाँ पर समर में बहुत ज़्यादा धूप होता है, तो उसमें थोड़ा सा इसका जो लीव्स है ये जल सकता है। तो इसीलिए मैं पार्शियल सनलाइट में रखती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये जो मेरा प्लांट है उसी दिन मैं रनर्स ये लगा दिया था। ये 3-4 दिन हो गया, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ये मेरा वही प्लांट है। तो देखिए फ्रेंड, एक प्लांट से मैंने कितना प्लांट बना दिया। तो ऐसे आप भी तैयार कर सकते हैं अगर आपके प्लांट में भी ऐसे रनर्स निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो पर।